मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व है, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. सो ये एक शब्द जिसकी लड़ाई दुनिया में चलती है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड राइट. हम लोग ये दो दिन में नहीं कर पाए, मैं माफी चाहूंगा, बट आज हमारे को ये करना जरूरी है. हमारे तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को थैंक यू करना चाहिए जिन्होंने अपनी जवानी लगा दी हमारे को डॉक्टर बनाने में. आसान लगता है पर एक सच ये भी है कि हिंदुस्तान में हर घर में ये सपना होता है कि एक डॉक्टर हो. ऑलराइट, और आप जो यहाँ बैठे हैं उस सपने को पूरा कर रहे हैं, तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए. यू नो डॉक्टर एक वर्ड है, राइट, इट्स जस्ट अ वर्ड. बट जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप इसकी इसका महत्व इसकी कीमत समझेंगे. यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. सो एज वी ग्रो यू नो हम बड़े चुप हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल कम हो जाता है, हमें वो लाउड म्यूजिक की आदत नहीं होती है ना. 11th 12th में हम लोग गाड़ियाँ के शौक रखते थे और सोचते थे कि हमारे पास वूफर्स और सिस्टम्स होंगे, पीछे डिक्की खोलेंगे तो बड़े बड़े उसमें डब्बे निकलेंगे. दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू ड्रॉ, राइट. ओवर टाइम वो कम हो जाता है, देन यू स्टार्ट अर्निंग, फिर से वो वापस जाग जाते हो आपकी, हाँ आप गाड़ियाँ खरीदनी है. सो आई वॉज आई एम स्टिल वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स. सो आई परचेज माई फर्स्ट कार व्हेन आई जॉइंड MS ऑर्थोपेडिक्स. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट आई टुक अ कार. It was taking 50% of the installment of my remuneration which I was getting from the college. But ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज चाहिए थी तो चाहिए थी, दिल आया था तो ले ली. लड़ना नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करना ना, क्रोध इंसान को नष्ट करता है. बैठो बेटा, बिठाओ उनको, बैठो बेटा, वेट कर रहा हूँ आपका, बैठ जाओ. कहाँ बैठना है? ठीक, सब ठीक, फीलिंग बेटर? ओके. सो मेरे एक फ्रेंड ने एक रेस्टोरेंट खोला था CP में, इट वॉज ए सेकेंड रेस्टोरेंट, और उसने ए थर्ड कार खरीदी थी. हम लोग स्कूल के बैचमेट्स थे, थर्ड कार सेकेंड रेस्टोरेंट, माई फर्स्ट कार एंड MS ऑर्थोपेडिक्स की सीट. तो मैं पहुंच गया सिंपल से कपड़े पहन के और गाड़ी को पार्क करा वाला स्टाइल में, जूम, अपनी गड्डी थी. सो मेरा फ्रेंड आया जिस एक और आके बोलता है, यार यू आर ड्राइविंग दिस पीस. तो मैंने कहा हाँ. कहता है, यार तू तो पढ़ाई में अच्छा होता था, तेरे साथ क्या हुआ? तो मैंने कहा मतलब? कहता है, यार तू ये गाड़ी चला रहा है, देख बाकी सारे दोस्त स्कूल के, देख क्या क्या गाड़ियां लेके आए हैं. मैं तो समोसा पार्टी देके आया था, तो मुझे क्या समझ आया कि ये क्या हुआ. बट इन्हें ना यो मैन कहते हैं, यो मैन होते हैं जो आपको आके मिलते हैं, बोलते हैं यो तू खत्म, तूने जिंदगी में कुछ किया नहीं, समाप्त हो गया तू, राइट. वो आपको बताते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, हर कोने पे दिखाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, ये बहुत बड़ी चीज होती है. तो मेरे को भी उसने बिठा के ढंग से उतारी मेरी, तेरे नोट्स से हम पढ़ते थे, आज हमारी गाड़ी के दरवाजे को हम हाथ नहीं लगाते, कोई और खोलता है, तू तो अपने बैग भी खुद लेके आया है, हम तो यहाँ पे जो गिफ्ट लाए हैं वो भी हमारे बंदों ने छोड़े हैं. मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है. मैं बट इम्यून हो इन चीज़ों से, है ना, ऑब्वियसली आपको भी होना पड़ेगा अगर लाइफ में कहीं जाना है तो. तो मैं जाके कोने में बैठ गया और मुझे कॉल आया, बेड नंबर 6 को पेन हो रहा है, क्या देना है? मैंने कहा डायनापार दे दो, वोवरॉन दे दो, ट्रामाडोल दे दो, हमारी दुनिया यही होती है. फिर वो वहीं पे, फिर वो चिपका रहा मेरे से, वो लगा रहा, वो हिला नहीं वहाँ पे. बट बता तो यार अपूर्व तेरे साथ हुआ क्या? सो मैंने कहा भाई जिसने पार्टी दी है उससे पूछ ले क्या हुआ मेरे साथ, तू मेरा सिर क्यों खा रहा है ना, क्योंकि भाई समझो आप मेरे आकार में अगर उल्टा हाथ चल जाता तो उसका क्या होता है ना. मैंने तू जा अभी निकल. वहाँ पे मैंने देखा मेरे बैचमेट्स जो है वो बाहर की टेबल पे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं जाके, हम लोग शांत होते हैं, वी बिकम क्वाइट ओवर टाइम, राइट. सो मैं चुपचाप बैठा हुआ था एंड आई वॉज लुकिंग एट एवरीबडी एंड पीपल वर कमिंग एंड मीटिंग मी एंड आई वॉज गोइंग एंड मीटिंग एवरीबडी. थोड़ी देर बाद वही यो मैन मेरे पास आया, तब तक वो मेरे दोस्त से मिल चुका था, राइट. सो वापस आया तो उसका मुंह लाल था बंदर की तरह. सो मैंने पूछा क्या हुआ? कहता यार आई एम सॉरी. मैंने कहा क्यों? कहता नहीं यार आई वॉज कंपेयरिंग योर कार्स एंड योर क्लोथ्स एंड व्हाटएवर यू आर,
बट जो तेरा फ्रेंड है जिसने पार्टी में बुलाया ना, उसने बताया यार कि एक डॉक्टर के पास ना तीन चीजें होती हैं जो शायद इस दुनिया में बहुत रेयर है। पहला है दिमाग, जो किसी की कास्ट, क्रीड या इकोनॉमिकल स्टेटस को जाने बिना उसकी बीमारी से लड़ता है, एक अलग सा रिश्ता एस्टेब्लिश कर लेता है। वो बहुत रेयर है, नॉर्मल दुनिया इसको समझ नहीं पाएगी, बट यू विल थिंक अबाउट अ पेशेंट इवन विदाउट नोइंग टू विच फेटा ही बिलोंग्स। आपको बीमारी दिखेगी। सेकेंड एक दिल, वो दिल ऐसा होता है जो चाहता है कि यार ये ठीक हो जाए मरीज। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ना आज सुबह मैं भी ऑपरेट करके आ रहा हूँ जस्ट ओटी से, राइट। आई वॉज फाइटिंग फॉर एवरी मिलीमीटर ऑफ डिफॉर्मिटी करेक्शन। मुझे पता था मुझे आके आपसे आके बात करनी है, पर मेरे को उस समय ये था कि यार ये पैर इस लड़की का ठीक हो जाए मेरे लिए। उसके अलावा अच्छा आपको पता है ना ये ऑपरेट ऑल्सो लोग कहते हैं आके रोज चढ़ जाता है स्टेज पर बोलना शुरू कर देता है, राइट। सो वो दिमाग होता है कि यार ये बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खाया, नहीं पिया, सोए नहीं, सोए नहीं। हम लोग अगर एक जान बचाते हैं उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या खा रहे हैं, और अगर बाय चांस ऐसा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या खा रहे हैं। तो हमारा दिल अपने आप में कनेक्ट हो जाता है, राइट। सो दिमाग जो सोचता है, दिल जो प्रे करता है, और हमारी 10 उंगलियां ये हाथ, राइट, जो काम करती हैं किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने में और कई बार सेव करने में। तो ये जो कॉम्बो है ना तीन बड़ा एक्सट्रीमली रेयर है। तो मेरे को बोला कि उस बंदे ने जिसने पार्टी थ्रो करी है, उसने उस योयो मैन को समझाया कि भाई ऐसा दिमाग, ऐसा दिल, ऐसी उंगलियां कहाँ लाओगे जो हर डॉक्टर जिंदगी भर अपने कमा के लाता है, राइट। सो कई बार तुमसे अकेले में कोई पूछेगा तुम क्या करते हो, तो अपनी छाती चौड़ी करना, मुंह पे मुस्कुराहट लाना, एक शेर की तरह बोलना, राइट, दैट आई एम अ डॉक्टर एंड दिस इज व्हाट आई एम, राइट। तो आई थिंक सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी किताब है, ऑलराइट। एंड दिस इज अ ह्यूज थिंग दैट यू आर गोइंग टू फाइट फॉर। सो अगले महीने 20 तारीख को आप अपने नाम के आगे एक शब्द लगाने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आपको याद आना चाहिए कि उसकी कीमत क्या है, बिकॉज वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, राइट। लड़ाई तो लंबी होती है, सबकी होती है। हर व्यक्ति की जर्नी बहुत सुंदर नहीं होती, जैसे रवि ने बताया, जैनब ने बताया, दे हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू गेट रैंक्स। फिर हमारी ऐसी दुनिया भी होती है जिनके लिए आसान नहीं होता, राइट। सो पहुंच गए इंटर्नशिप में, अब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे बहुत दिमाग वाले लोग पढ़ते थे, मेरे अंदर कम था, दिखी क्या होगा तुम्हें 2 दिन से, राइट। सो कम था। सो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी चीजें कि लोग इतना टॉप करते थे, इतने मेडल, इतनी चीजें लेके आते थे। मेरे को क्रिकेट खेलना आता था तो मैं क्रिकेट खेलता था, बट एनीवेज समय बीतता गया। एंट्रेंस एग्जाम की दुनिया आई, और जैसे होते हैं हम लोग, राइट, हम लोग, मेरे को यहाँ कि मैं अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचूं। सो पढ़ाई तो सेकेंडरी थी, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, राइट। सो मैंने, बैठ जा बेटा, बाबू बैठ जा, अब इधर देख, अच्छा इधर तो देख, देख ये डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा, यू हैव टू बी काम इन द स्टॉर्म, है ना, ये हमेशा रहेगा, दुनिया ऐसी है बेटा, ठीक है, गुस्सा नहीं होना, कोई नहीं, आपको कहाँ कोई अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने आता है, कुर्सी नहीं मिलती यार, एक ही सीट तो चाहिए यार, एक ही चाहिए, सब बढ़ते हैं, कितनी सीट है, ताली बजाओ इस बात में, तो एक सीट चाहिए, ये हमेशा होगा बेटा, हमेशा होगा। अभी देखो मेरी बातें सुनाई दे रही होगी, बट ये सुनना जरूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। जितनी जल्दी सुनना शुरू करेगा उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, जितना जल्दी सुनेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बैठे यहाँ बैठे फर्क पड़ता है, यहाँ बात कौन सुन रहा है, राइट। सो यार मैंने पढ़ाई शुरू करी, तो क्या होता था उस टाइम पे, जनवरी में ऑल इंडिया का एग्जाम होता था, फरवरी के सेकंड वीक में दिल्ली पीजी होता था, और दिल्ली पीजी हमें अपनी खैरात लगता था दिल्ली वालों को, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली पीजी में दिल्ली का जो है 75% सीट थी, 25% ऑल इंडिया में जाती थी, तब ऑल इंडिया होता था, नीट नहीं होता था। सो बट बात थी कि ऑल इंडिया में रैंक कौन लाएगा। मैंने आपको बताया मेरा रोल नंबर था 11, रोल नंबर 10 यूनिवर्सिटी टॉपर था, दर्द कहते हैं इसको, पेन, इतनी बेइज्जती करा करा के उसने मुझे MBBS पास कराई, और कई बार नहीं भी कराई, रुला दिया उस बंदे ने, बिकॉज वो ब्रिलियंट है यार, वो बंदा अलग था, अलग लीग थी वो, राइट। और वो पूरी पूरे पूरे कॉलेज में बस 2 ही अपूर्व थे, और दोनों हम एक ही बैच में, और वो सच में अपूर्व था, और मैं तो खैर हर गली में घूमते हमारे ऐसे। एनीवेज सो ऑल इंडिया का एग्जाम हुआ, और ऑल इंडिया का एग्जाम होने के बाद दिल्ली पीजी का एग्जाम हुआ 1 महीने बाद। जब दिल्ली पीजी का जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन ऑल इंडिया का रिजल्ट आता था 5 हफ्ते बाद, इट वॉज अ रूल।
सो मैं अपना बैग पैक करके घर जा रहा था, तो मुझे पता था आज मेरी लगने वाली है। दिल्ली पीजी का एग्जाम देके मुझे समझ आया था यहाँ तो सिलेक्शन होना नहीं है, और ऑल इंडिया का मुझे पता था कि मेरे कॉलेज में दिवाली का माहौल होगा बिकॉज टॉपर्स वहीं से आते हैं। इंसान हूँ, निकल लिया। घर पहुंचा तो घर वालों ने बोला आज पार्टी नहीं है। सो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी तो एंट्रेंस है, किस चीज़ की पार्टी करनी है। नॉर्मली एग्जाम देके पार्टी लगती है, पर अपने को पता है ना कि क्या होने वाला है रात को। फोन बजा, लैंडलाइन था तब, फोन बजा और पता चला कि मेरा जो रूममेट है राइट, वो रैंक 2 था ऑल इंडिया। बड़ी बात हो गई थी। और फिर उसके बाद डन 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 रैंक्स आनी शुरू हो गई, टक 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 टक। इवन बेस्ट फ्रेंड वाज इन रैंक 1 to 20, रैंक 1 रह गई थी। मेरे आंखों में होप थी ड्यूड, ठीक है। सो तभी फोन बजा एंड रोल नंबर 10 वाज रैंक 1 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंट्रेंस एग्जाम। The gap between rank 1 and rank 2 was 64 marks, which is the highest till now. Never ever defeated till now. This was the league he belonged to. Duniya mein bahut log aaye, but wo alag tha, level hi alag tha, right? So, main apna roll number dala. Pitaji piche aake khade ho gaye. Never do that. Kitne bhi tum shurveer ho beta. तुम भी बेटा माँ बाप के सामने रोल नंबर नहीं डालते कभी कंप्यूटर में। बताओ ताली यार, तुम क्या दुखी हो रखे। रिजल्ट की जो कॉलम था, वैसे कंप्यूटर कभी ना खुलता, साइट हैंग हो जाती है। उस दिन बूम खुल के आ गया सामने एक नंबर, लंबा सा नंबर। पापा ने बोला दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड। मैं क्या बोलता हूँ उनको, स्टार्टिंग के रैंक्स ऐसे ही आती हैं बेटा, अकाउंट नंबर जितनी, अकाउंट बैलेंस तो बाद में आता है राइट। सो मैंने बोला हार्ड लक, पापा ने बोला हार्ड लक नहीं, तुम पढ़ाई नहीं करी तुमने। मैंने कहा मैंने पढ़ाई नहीं करी, आपको क्या पता आप डॉक्टर होना हो। लड़ गया। जितना कम ज्ञान होता है उतनी अकड़ ज़्यादा होती है, जितना ज्ञान ज़्यादा होता है उतनी फ्लेक्सीबिलिटी होती है कमर में, है ना। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर रवि शर्मा एंड डॉक्टर जैनब बोरा। राइट। सो पिताजी जो हैं वो देखने लगे और मैं उनके सामने जाके खड़ा हो गया। मैंने बोला मैं दिन रात मेहनत करी और मैं आपसे ये नहीं सुनने वाला कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, आप ठीक नहीं बोल रहे। सो पापा ने बोला कि ऐसा है बेटा, पढ़ाई कर लो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। फिर मेरे को ना गुस्सा आ गया। मेरे को गुस्सा क्या आ गया कि मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी एंट्रेंस के लिए और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट अपने अच्छे कॉलेज का। तो मैंने उनको बोला ऐसा है, मैं जो है ना घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ, स्टाइल में बोल दिया। उन्होंने बोला कहाँ जाएगा बेटा। तो मैं देखने लगा उनको, मैंने खर्चा कौन उठाएगा। तो मैंने कहा अच्छा सॉरी। तो चुपचाप अपने कमरे में चला गया अपनी औकात जान के। राइट। कमरे में गया तो बैठ गया, समझ नहीं आया करना क्या। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई हैड नो क्लू। आई वॉज लुकिंग टू कॉल पीपल बट आई हैड नो वन टू कॉल टू। पता नहीं था किससे बात करूं। उस टाइम पे फ्रेंड जश्न मना रहे थे, उनको अपना दुख थोड़ा लाद सकता था, और पता नहीं था कि दुखी था कि नहीं, इतना इम्यून हो चुका था। राइट। एनीवेज सो पापा फिर आ गए कमरे में। मैंने बोला अच्छा थोड़ी देर शांति से बैठे रहे, हम लोग क्या टेंशन है जिंदगी में, अब क्या बात करनी है आपको मेरे से। तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हें ना पढ़ना पड़ेगा, ये ना एक एग्जाम है, इसके लिए पढ़ाई करनी होती है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा अच्छा रिजल्ट नहीं चाहता। नहीं, मैंने कहा वो तो आप चाहते ही होगे भाई, आपका भी तो बेइज्जती हुई है आज, सेम सरने में दोनों का, तो आपकी भी तो इज्जत उड़ गई। क्या बोलोगे आप जाके, जब MBBS में सिलेक्शन हुआ था तो आप रिक्शे वाले तक को बताते मेरा बेटा डॉक्टर है। कहीं पे भी जाते थे तो कोशिश करते थे बस बता दे कि मेरा बेटा डॉक्टर है। लिफ्ट में भी कोई बैठा होता था और पेशेंट कैसे है, मैंने कौन से पेशेंट, बट वो इस तरह से बातें करते थे कि पता लग जाए दुनिया को कि मेरा बेटा डॉक्टर है। तो मैंने कहा कि बेइज्जती तो आपकी हो ही रही है, क्योंकि आप क्या गाने गाओगे। राइट। तो कहते देख एक बात समझ, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वो जो पिक्चरों में नहीं होता, एक अपना वॉलेट निकाल के फोटो दिखाते हैं, देख तेरी फोटो रखी है मैंने अपने। मैंने कहा ये क्या बकवास है,
कहते नहीं ये अब जब तेरा ऑल इंडिया का फॉर्म आएगा ना उसमें चिपकाएंगे इसको। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने 4-6 महीने ढंग से पढ़ाई करी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वही पढ़ाई के रूल्स वही होते हैं, खड़े होके पढ़ता था क्योंकि बैठ के पढ़ने से नींद जल्दी आती थी, राइट, कम लोगों से बात करता था, सर्कल रिड्यूस कर दिया, बार बार पढ़ता था, रिवाइज करता था, एमसीक्यूज डेली करता था, रिवीजन मेन सब्जेक्ट्स के साथ शुरू कर दिया था, अलग नहीं किया था, मतलब वो रूल सेम थे सारे। हर रोज अपने डे को 2-3 पार्ट में डिवाइड करता था, खुद पढ़ता था या कोई और पढ़ाता था, किसी को टॉपिक सुनाता था और एमसीक्यूज करके सो जाता था। 4-6 महीने बाद ऑल इंडिया का मैट्रिक्स आया मेरी कैटेगरी में, राइट, देयर वाज ओनली वन सीट इन दिल्ली। मैं बैठा हुआ था फिर से उसी टेबल पे, हताश पापा आए, मैंने कहा ये लो फॉर्म आ गया। कहते तो दुखी क्यों है? मैंने कहा, कहते कि एक ही जो है वो सीट है दिल्ली में, अब क्या करें। तो ही सेड देख ऐसा है, ये रही पिक्चर फोटो, तू फॉर्म भर ले और जिस तरह से तूने 6 महीने पढ़ाई करी, अगर तू अगले 3 महीने पढ़ा तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तेरा सिलेक्शन ना हो, वो सीट तेरी है। दिस इज व्हाट हैपेंड, राइट। एंड माई डैड टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ ऑलवेज हैड अ पिक इन हिज वॉलेट, इट वॉज नेवर एवर कि उनके पास वो पिक ना हो। एंड ही ऑलवेज मेड मी रियलाइज यू नेवर नो विच एग्जाम यू हैव टू अपीयर फॉर। फिर से रिपीट करता हूँ, आप कितना भी चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने आप को उसके केपेबल बनाना पड़ेगा जो आपको चाहिए, राइट। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। दौड़, कल चलने की बात की थी, आज दौड़ की बात करते हैं, ठीक है। रवि को अब हमें माइक देना है, आज तो आराम से बातें करेगा। यू नो ही स्पोक सो ब्यूटिफुल यस्टरडे, यू शुड क्लैप फॉर हिम, राइट। I was thinking, you know, the line that melted my heart was, right, do not make silly mistakes, do calculated errors. This was so beautiful. Is line ke liye taali baja do yaar, matlab this is so beautiful, right. And before I complete this, Zainab hai, aayi aaj, Zainab ko bula dega, pad rahi hogi wo, if you know her, that's how she is. मैंने डे वन पे रवि के बारे में बोला, बट कल तो मैं ज़ैनब कह रहे हैं बोला ही नहीं, बट बिफोर वी आज इवनिंग में तो आपसे फिर से मिलेंगे, हम लोग आपको बाय करने आएंगे, बट बिफोर वी गो, यू नो आई वांट टू टॉक अबाउट हर, बिकॉज दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। हम लोग देखते हैं दैट से शी कम्स इन अ ब्लैक मर्क, यू नो, ताली बजाओ इस बात के लिए, बट हम ये नहीं देखते कि इज इट ईजी और नॉट। आई कैन प्रोमिस यू इट्स नॉट, it's not easy to turn away your faces from all the crises, turn away your face from all the joys around you and have a single goal, do better for the students. Taali bajao. If you know her more, you will realize, you know, that aap bata sakte ho ek shabd jo decide karta hai ki aap apne jeevan mein kahan pahunchte ho, ek shabd, one word जो डिसाइड करता है आप अपनी लाइफ में कहां पहुंचते हो, एक पर्टिकुलर चीज के अंदर आप क्या अचीव करते हो। आई विल जस्ट टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट इन लास्ट 1.5 decade ऑफ दिस कंट्री देयर हैज नेवर बीन अ टीचर दैट हैड मेड स्पेस। जो 15 साल पहले नाम थे आज भी वही हैं, देयर इज ओनली वन नेम व्हिच इज सुपर्ब राइट नाउ एंड दैट्स हर। सो 1.5 decade की जो टीचर्स की लेगेसी चल रही है उसमें शी इज क्रिएटेड अ स्पेस एंड राइट नाउ शी इज एट द टॉप, राइट। सो Why could she could do it? Many tried it. Many are still trying it. हर एक की आंख में सपना है कि हम ऐसा बने, तो वो ऐसी क्यों बन पाई? ऐसा क्या शब्द है? Can you guess that word? Intention, नियत। उसकी नियत है कि मेरे students मुझसे better बने। That's the only thing that sets her apart. And you are her hope. This is what you have to understand. So what you do to her is dependent upon how much you work on that hope, because that is what she eats. She survives on you. This is what Zainab is for you. Please clap for her. But itne ki baat hui thi, isse zyada baat nahi hui thi. I was only asking. Yehi to bolna tha. Yeh likh ke diya tha. Maine kar diya. Right. So ye aapko mere saath bolna hai. Tu daud mein avval aaye. Tumhari feeling hi nahi hai to daudoge kya? Tu daud mein avval aaye. ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़े, तू सबको पीछे छोड़े, ये भी जरूरी नहीं,
जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर खड़े होना। जिंदगी में बहुत से मकाम आएंगे, जिंदगी में बहुत से मकाम आएंगे। आज जो आगे हैं कल पीछे छूट जाएंगे। जरूरी है तेरा लड़ते रहना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है तेरा आगे बढ़ते रहना। ऑलराइट, फैंटास्टिक। हम जो भी होते हैं, राइट, व्हाटएवर वी रिप्रेजेंट, वी रिप्रेजेंट अ टीम। हम तीन लोग यहाँ पे रोज स्टेज पे चढ़ जाते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, हम आधे पौन घंटे बाद मैं और रवि बेइज्जत होकर, मतलब बाइज्जत उतर जाते हैं। ज़ैनब कहते हैं चलो हो गया, राइट, हम चले आते हैं। पर आपको पता है हम ये सब क्यों कर पाते हैं? हम ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी हुई है, जो सुबह 5:30-6 बजे से ये अश्योर करती है कि हम ये सब कर पाएंगे। सो एक बार हम ढंग से ताली बजाएंगे उन लोगों के लिए जिनकी वजह से हम यहाँ आ पाते हैं। ऑलराइट, एक एक व्यक्ति जो हमारे लिए सपना साकार करता है कि हम आपसे बात कर पाए, हम हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलते हैं। वी आर ब्लेस्ड इन सेरेबेलम टू हैव सच अ ग्रेट टीम एंड फैंटास्टिक पीपल हु आर लीडिंग इट, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हाउ पीपल आर। चेतन इधर आजा बेटा, राइट, ही इज राइट इन द टॉप ग्रुप, यू विल नॉट इवन नो दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर गाइस, यू नो, एंड This is how our team is. We are really blessed to have such a strong backbone with which we can take any leap and any jump. Thank you very much. Over to Ravi. If you can see this image, any guesses? What is this image? It's a black hole. So the theory of general relativity explains that the gravitational pull of a black hole is so strong that even light cannot escape it. So this is called as event horizon. If you can see, there is a black hole and the light is trying to cross it, and the gravitational pull of a black hole is so strong that it can bend any light, any electromagnetic wave, and it can make it circle around it so that it can never escape it. So when I was thinking what to speak about, I always think that I should talk about something fresh which I have never talked before. So this is what I will be talking today about, is the black hole, which I feel if Dr. Apoorv is the light, jitna marzi mare, if you are the black hole, it will get sucked up. Because in most cases, irrespective of how many motivation someone is, how much someone is putting a hard work to teach you, if you are the black hole, you will suck it up. So what I'll talk about is going to be a little harsh, but it's going to be very, very honest and truthful, because that is what I feel people need. People don't need dreams, they need a reality check. So the reality check is most of you are the black hole for yourself. Because tum sabki sui isi pe adi hui hai, what if? So the three things, what if, जस्ट बिकॉज, और हाँ तो, लाइफ की बहुत बड़ी जर्नी है, आप हर चीज इसको इसमें समराइज कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इफ आई स्टडी हार्ड एंड स्टिल आई डू नॉट मेक इट, व्हाट इफ आई ट्राई एंड आई कैनॉट मैरी दैट गर्ल, व्हाट इफ आई ट्राई आई कैनॉट अचीव अ पर्टिकुलर पोजिशन। मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली जो एग्जाम स्ट्रेस होता है ना, क्यों होता है? Yesterday only one student came to me and told कि सर मुझे एग्जाम डे में बहुत एंग्जाइटी होती है, पैल्पिटेशंस तक हो जाते हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, उससे पहले सब ठीक होता है। उसका रीजन यही है कि जितनी भी लाइट जितने भी लोगों ने डाली थी, नाउ यू हैव जस्ट पुल्ड इट डाउन सो मच ऑन दिस व्हाट इफ। व्हाट इफ कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, योर लैक ऑफ प्रिपरेशन, योर पीयर्स, the people around you, or it can be because of your past experience, ki last time enters mein gaya tha, ye hua tha, is bar bhi yahi hoga.
सो सारा प्रॉब्लम ही व्हाट इफ का है. सो इस व्हाट इफ को आपको चेंज करना है एंड शिफ्ट फर्स्ट टू जस्ट बिकॉज. आप हाथों पे नहीं आ पाओगे, हाथों तो बिल्कुल जिंदगी मैं जीता हूं कि देखा जाएगा कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा क्या होगा. जैसे अब लेट अस सपोज, आई विल टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट एज अ न्यूरोसर्जन, बिकॉज जब पेशेंट आपके पास आएगा ना, वो आपसे व्हाट इफ ही पूछेगा हमेशा कि सर आप ये सर्जरी करोगे तो व्हाट इफ माय पेशेंट डाइज. तो वो तो रियलिटी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है. वो तो आप जब शादी करोगे ना, आपकी मम्मी आपसे बैठेगी, बेटा गारंटी है कि तू इस बंदी से शादी करेगा तू खुश रहेगा? कोई गारंटी नहीं है लाइफ में ना, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है. अगर कोई आपको 100% गारंटी किसी भी चीज की दे रहा है कि आप ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, या आपका कोई पार्टनर या फ्रेंड आपको गारंटी कर ले कि तू ये कर ले तो ये हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है लाइफ में किसी चीज की. 100% कोई गारंटी नहीं है. तो ये व्हाट इफ तो जाएगा ही नहीं कभी. बट उसके बाद आप क्या करते हो, आप प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हो कि अच्छा इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा काम या जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका खराब होगा. लेट अस सपोज कि आप बहुत मेहनत करते हो और आपकी 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप क्लियर कर जाओगे, बट 10% प्रोबेबिलिटी है कि आप नहीं करोगे. प्रॉब्लम पता क्या आती है, आप ये अपने आप से पूछ लेते हो, वो प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हो कि मुझे कैसे पता कि मैं 90 में आऊंगा कि 10 में आऊंगा. क्योंकि जब नहीं होगा तो 100% होगा, और जब होगा तब भी 100% होगा. तो ये प्रोबेबिलिटी गेम जो है कि मैं किसी पेशेंट को लेट अस सपोज बोलता हूं कि आपकी सर्जरी हम करेंगे उसमें आपका मॉर्टेलिटी रेट 10% है, बट अगर वो पेशेंट मरेगा तो 100% ही होगा, ठीक है ना. और रादर ये तो मुझे किसी ने एम्स में एक पेशेंट ने बोला कि सर आपने एक्सप्लेन किया था कि इस पेशेंट का चांस ऑफ डाइंग इज 10%, बट ये तो एक्चुअली मर गया, ये तो 100% हो गया. मैं कहा बात तो सही है, वो तो ऐसा ही, अगर मैं 99% बोलता तब भी वो 1% रहता. तो अगर आप 100 में से 99 लोग क्लियर करते हैं और आप वो एक हो जिसका क्लियर नहीं हो रहा, तो आपके साथ तो 100% ही हो रहा है. तो ये व्हाट इफ ना हमेशा रहेगा. तो ये प्रोबेबिलिटी गेम नहीं खेलनी है, ओके. एंड यू हैव टू शिफ्ट टू जस्ट बिकॉज. एंड इन जस्ट बिकॉज योर लास्ट एंट्रेंस गॉट वेंट बैड doesn't mean this one will. Just because your last experience or last GT didn't go well doesn't mean the next one will also, or your final entrance also. Just because you feel that your preparation is not good enough doesn't mean it will replicate in your rank. Just because you feel the person who was studying with you is more intelligent doesn't mean he'll score a better rank. So first, ye what if se utke just because tak aana hai. You have to start saying yourself, because आप सुबह उठ के अगर अपने से आपसे ये पूछोगे कि what if मैं अपना सारा जान लगाता और नहीं होता, यही होता ना. एंग्जाइटी किस चीज के लिए आती है कि मैंने सब कर लिया यार, अब एग्जाम आ गया, बिल्कुल ऐसे ना हाथ पैर सुन हो गए मेरे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यही होता है ना. तो उसकी प्रॉबिलिटी हमेशा रहेगी, आप जितनी मर्जी मेहनत करना चाहते कर लो, हमेशा रहेगी. आप 50% से 90% से 99% चले जाओगे, 99.9% भी रहोगे, बट 0.1% प्रोबेबिलिटी उसकी हमेशा रहेगी दैट थिंग्स कैन गो साउथ. तो उसके लिए नहीं, बिकॉज अगर आप उस 0.1% में भी आए तो आपके साथ 100% ही होगा वो. तो उसकी डरने की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज आपकी 50% प्रोबेबिलिटी है कि 99% प्रोबेबिलिटी है किसी चीज को करने की. जब आप फेल करोगे तो होगा ही होगा. अब इंडिया was winning all 10 matches in a row, final हारेगी तो हारेगी, ठीक है ना. वो past count नहीं होता, probability wise तो आप देखते हो ना, match से पहले एक probability दिखता है Google पे. तो probability तो ऐसा ही है कि run rate के वजह से fluctuate करता रहेगा, but end में तो 0 या 1 ही होता है, ठीक है. तो आपके साथ ये होगा, तो अपने साथ probability game नहीं खेलनी है. And you have to keep on saying just because the previous was a bad decision doesn't mean the next one will also be. And if you will say consistently yourself just because, tabhi aap life mein us statement pe pahunchte ho which is haan to, where you become fearless. Jaise let us suppose, agar maan lo wo 1% chance hai ki ye nahi hua to kya hoga, uska answer hai kuch nahi hoga. तो इसी करके आपको पहले व्हाट इफ से जस्ट बिकॉज जाना है,
और जस्ट बिकॉज से आपको हाँ तो वाली स्टेटमेंट पे जाना है। हाँ तो इज योर बैकअप कि अगर मान लो सब कर लिया फॉर सम रीजन इट डजंट वर्क आउट, बिकॉज मोटिवेट तो सब करते हैं आपको, सब आप पॉजिटिव ही देखते हो। अगर आप यूट्यूब खोलोगे आपको इतना पॉजिटिव कंटेंट मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा सब लोग बैठ के माउंट एवरेस्ट चढ़ के बैठे, ऐसा नहीं होता है ना रियल लाइफ में। तो मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूं, मैं तो ये बोल नहीं रहा कि भाई मोटिवेट ऑल ऑफ यू एंड देयर 800 पीपल सिटिंग आउट है, 600 पीपल सिटिंग आउट है, सबका उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, सब लोग ही क्वालिफाई करेंगे, होता ही नहीं कभी रियल लाइफ में, होगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो ये होना बहुत जरूरी है कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ओके। एंड दैट इज योर हाँ तो, बिकॉज यू डोंट हैव टू गिव अप, एंड दिस एंट्रेंस एग्जाम डजंट डिफाइन हाउ गुड अ क्लिनिशियन यू विल बिकम, इट हैज नो प्रैक्टिकल और स्टेटिस्टिकल कोरिलेशन विद यू बीइंग अ गुड क्लिनिशियन, मे बी अ सर्जन और अ फिजिशियन, हैज नो कोरिलेशन। तो अगर नहीं भी हुआ तो जान नहीं देनी है, कुछ नहीं हुआ। ये वही चीज है कि अगर आपने सोच लिया कि यार ये बंदा मुझे या ये बंदी मुझे चाहिए एज अ पार्टनर और नहीं मिली तो इसके बाद कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर तो आप दुनिया की पॉपुलेशन को ही अंडर एस्टिमेट करके बैठे हो। घर से बाहर निकलोगे सब मिलेगा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो दो जो पागल हो जाते हैं ना, सबने हुए ऐसा नहीं है, सबने फूट फूट के आंसू रोए हैं एमबीबीएस में, ऐसा कुछ नहीं है, एक आधा ही होगा जिसकी किस्मत इतनी फूटी कि उसको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला, सब रोए हैं, ठीक है ना। बट जितनों ने रो लिया, ऐसा तो नहीं हुआ कि उसके बाद जिंदगी नहीं जी, पार्टी नहीं की, पढ़ाई नहीं की। तो उससे पहले जब आपको दोस्त समझाते कि भाई कुछ नहीं होता, मत रो, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जा रहा तू, यहीं रहेगा, यहीं रोएगा हमारे सामने, यहीं पार्टी करेगा, तो सेम इज एंट्रेंस का है, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि व्हाट इफ यू वर्क सो हार्ड एंड यू स्टिल फेल, तो बोला हाँ तो क्या करूं, होगा तो होगा, होगा तो होगा। आपको लाइफ में हर चैलेंज को यही बोलना है, एवरी चैलेंज, एवरी ऑब्स्टेकल, एवरी एडवर्सिटी, एवरी बैड पर्सन, एवरी पर्सन यू डोंट लाइक इन लाइफ, उसको एक ही चीज बोलनी है, हाँ तो देखा जाएगा, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज हाउ यू विल ब्रेक दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन प्रैक्टिकल लाइफ। नहीं तो यू आर द ब्लैक होल, अपूर सा जितनी मर्जी लाइट मारते रहे, टॉर्च लेके तुम्हारे घर पे पहुंच जाए, तुम्हारे मुंह पे मारे तब भी नहीं जगोगे तुम, बिकॉज यू विल सक इट लाइक अ ब्लैक होल, एंड दिस वर्क्स फॉर एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। सो डोंट बी अ ब्लैक होल फॉर योर सेल्फ, दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, दैट इज द ओनली वे यू विल प्रिवेंट। जो कहते हैं लोग कहते हैं एग्जाम बेस्ड एंग्जाइटी कैसे कम करूं, स्ट्रेस कैसे कम करूं, ये पैल्पिटेशन कैसे कम करूं, उसी से तो ये व्हाट इफ छोड़ दो, व्हाट इफ की गेम ही छोड़ दो, भूल जाओ कि तुम्हारा कितना प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने का, कितने चांसेस है तुम्हारी लाइफ खराब होने का या अच्छा होने का, कुछ नहीं होना। अगर होना है तो होकर रहेगा, तुम जो करना चाहते हो कर लो, तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, दैट इज नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, आप उनको नहीं मॉडिफाई कर सकते, जो आपके हाथ में आप उसको चेंज करिए और इस गेम को छोड़ दो। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को न्यूरोसर्जी में समझाते हैं कि ये गेम नहीं खेलनी। वो कह रहे कि सर दूसरे डॉक्टर ने बोला था सर इसका तो 90% सक्सेस रेट है। मैं कह भाई ऐसा थोड़ा, गाड़ी ठोक के जाएगी तो मरेगा तो 0-90 का, रोड पे भी चल, अभी मैं यहां से आ रहा हूं, अगर आप घर जा रहे हो है 0.1% प्रोबेबिलिटी यू माइट हैव अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो क्या रोड पे नहीं चलोगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता, यू हैव टू ट्रेवल, फ्लाइट रिस्क होता ही है ना, ऑब्वियसली फ्लाइट रिस्क और गोइंग टू अ गैलेक्सी और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर अलग चीज है, आप फ्लाइट रिस्क तो लो, सो यू शुड बी प्रैक्टिकल, स्टॉप सेइंग व्हाट इफ, होगा तब देखेंगे और उसको बोलना हाँ तो, अगर हो गया तो हाँ तो बोलना और आगे चले जाना, ठीक है। नथिंग इज गोना डिफाइन यू इन फ्यूचर विद दिस एंट्रेंस एग्जाम, इट विल नॉट, ट्रस्ट मी, ओके बाय। If you look at इसको लगाना, ये apply before I say that, because so if you look on your left side, that's the team that goes to the back and
अब कहाँ से बोल रही हूँ, कोई नंबर बोल रही हूँ. आपको दिख रहा है काफी बड़ा थैंक यू सो मच. सो लाइफ में ना एक वी ऑल बिलीव इन हार्डवर्क, वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क, बट लक और डेस्टिनी ऐसी चीज़ें हैं जो अननेगोशियबल है. दे आर थिंग्स विच यू नो यू आर बॉर्न विथ. एंड आई फील वेरी लकी दैट आई हैड द डेस्टिनी टू मीट सर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. एंड आई डोंट नो इफ यू गाइज नो द स्टोरी और नॉट, आई मेट सर थ्रू रवि. सो रवि का जब रैंक आया, एज यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन नवंबर 2014, एंड आई डिडंट गेट द रैंक. तो रवि सर से मिलने तब गया था, आई डिड नॉट मीट सर. एंड देन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड देन आई डिड रिलेटिवली वेल इन मे, देन आई हैड द गुड चांस टू मीट सर. एंड देन इट वॉज द फर्स्ट टाइम that we actually took a class. Sir flew us to Hyderabad and there we interacted with students. Hamara just rank aaya tha. I had terrible stage fright ki I don't know how I'm going to talk. I don't know still how I'm talking to all of you guys standing here. So, humne un logo ko padhaya tha us time. That was the first experience where I thought that, okay, this is something that I really like, you know, and then It literally changed my life. You know, I'm still fumbling. So that literally changed my life, and this is what now I do for a living, literally. So destiny ek bahut strong cheez hai. He brought me into teaching, and that is not an understatement. So and that is not an overstatement. So thank you so much to sir who since 2014 to this day where it's almost been 10 years he has been here. And kitne log utne lucky hote hain ki unke teacher unse pehle aake unko introduce karte hai, you know. So aisi kismat bahut kam log ke paas hoti hai. So thank you so much. And when I say this, I say on behalf of Ravi as well, we come as a unit. And now sir, I'm so happy and I can say that we are a unit together, and we are all a unit together. So thank you so much to every one of you who make our life so easy by you know waking up so early, doing the hard work. I see every day end tak jab tak class khatam nahi hoti aap sab chale jate ho, main chali jati hu, everybody is here. So thank you so much and hopefully we will go a long way, we'll continue this together. So thank you very much to sir, to Ravi who actually don't need to come here, है ना, उनको आने की जरूरत नहीं है. सुबह उठ के मेहनत करके आपको क्या मोटिवेट करना है, हर दिन अलग सोचने की जरूरत नहीं है, बट दे डू इट सो दैट वी ऑल क्यूम्युलेटिवली बेनिफिट. सो थैंक यू सो मच, रियली ग्रेटफुल. जस्ट अ सेकेंड, अब मैंने एक चीज बोली कि हम हैदराबाद गए थे इतनी बदकिस्मती हुई, पूरी रात हम तीनों लोग एयरपोर्ट पे बैठे रहे. ट्रस्ट मी, हमारी फ्लाइट डिले हुई, फिर थोड़ी और डिले हुई, फिर थोड़ी और डिले हुई. सुबह 5:15 मतलब शाम को 5:30-6 बजे से सुबह 5:15 तक वी वर लिटरली ऑन द एयरपोर्ट. 8 बजे तो सेशन लेना है, 5:15 बजे फ्लाइट हुई, हम पहुंचे 2 घंटे में, आधा घंटा मुश्किल से सोए होंगे, आधा घंटा, ठीक है. एंड वी हैड टू टेक अ सेशन फॉर 12 आवर्स. And we were not experienced speakers at that time. We were like just students. Entrance हुआ है तो देना है. तो मैं और सर एक दूसरे को देखे कि सर यही दिन मिला था. इंडिगो वालों को जितनी गाली दे सकते थे हमने सब दी. बट ऐसा थोड़ा है कि आप जितना मर्जी उसको बोलो, वेदर है तो वेदर है, हटेगा तो है नहीं, उठेगा तो है नहीं, आपके बोलने से मैच डिले थोड़ा रुक जाता है.
तो थिंग्स डिडंट गो टू प्लान एंड मी अपूर्वर एंड जैनब हैडंट स्लेप्ट एट ऑल. जैनब मुझ सो गई, मुझे तो ये चिंता थी उठेगी कि नहीं उठेगी, क्योंकि रोज की ये हमारे घर पे समस्या है, क्योंकि आज भी बीटीआर के लिए ये टुडे आई वाज नॉट प्लानिंग टू कम इनिशियली बिकॉज़ आई हैड अ कमिटमेंट एंड जैनब सेड कि यार तू ना कल आएगा नहीं ना तो ऐसा मत करना, मुझे उठाना मत. मैं क्या ऐसा नहीं है, उठा दूंगा. तो 7 से 7:30 बजे के बीच में 50 बार जैनब क्लास है, जैनब क्लास है. तो उस दिन भी ऐसे ही कि जैनब क्लास है उठ. अरे यार, क्योंकि आप आधा घंटा सोए हो, मैं और अपूर सा तो बिल्कुल कॉफी पी लेते हैं, सो गए तो साला कोई नहीं उठा पाएगा. तो थिंग्स डोंट गो टू प्लान. सो इफ आई वुड हैव थॉट दैट व्हाट इफ वी आर टेकिंग अ फर्स्ट सेशन एंड वी आर गोना फेल बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. हमने तो ये सोचा था कितना कुछ रात में जाके प्रिपेयर करेंगे, एक दिन पहले जा रहे हैं. बट थिंग्स डोंट गो टू प्लान. एंड ट्रस्ट मी, मैं आज भी उस सेशन को, दैट वॉज वन ऑफ द ओनली टीचिंग सेशन परहैप्स आई हैव टेकन इन 2015. और उसके बाद मैंने 23 पे सर ने मुझे दोबारा मौका दिया कि चल तू बोल तो सी. उसके बीच में तो मैं रेजिडेंसी में इतना बिजी था. तो उस सेशन की मेमोरीज आज भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट इवन इफ आई एम अप ऑल नाइट वी आर एग्जॉस्टेड देयर इज हार्डली एनी टाइम वी विल स्टिल परफॉर्म दैट बेटर. सो जस्ट बिकॉज योर फ्लाइट डिडंट गो वेल डजंट मीन यू मेस अप द नेक्स्ट. तो मैंने उस व्हाट इफ से जस्ट बिकॉज थिंग्स डोंट गो वेल को हाँ तो किया. इस करके हम सब लोगों ने मिलकर वो सेशन बहुत अच्छे से किया. इट्स द मोस्ट चेरिश्ड मेमोरी वी हैव फ्रॉम 2015. सो थिंग्स विल नॉट गो, ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम में से मान लो कोई फंस गया सेंटर पे लेट पहुंचा तो हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए. मेरा कहने का मतलब ये है, किसी का कंप्यूटर बंद हो गया, बिकॉज ये होगा किसी ना किसी के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है जो टाइम आपको मिलेगा उसमें आगे क्वेश्चन नहीं बुलबुले दिख रहे हैं, क्योंकि ये होता है. बिकॉज आपका साइकिल ये शुरू हो जाता है कि अब तो बस गए, अब तो किस्मत ने ही बोल दिया कि ये यू आर अ फेलियर. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. आपको अपने आप को बोलना जो हो गया हो गया, यू हैव टू गिव योर बेस्ट. सो दैट इज व्हाट वी डिड. सो दिस थिंग अप्लाइज एवरीवेयर इन लाइफ. थैंक यू. प्यार के साथ पहला सेशन ये बोल रहा है वो. तो पहला इसीलिए माइक दिया नहीं जाता ऐसी बातें बोल के लड़कियों को, है ना. सो पहला हमेशा स्पेशल होता है, दैट्स व्हाट इट इज. सो एंड आई डोंट थिंक दे डिड वेल, दे किल्ड इट, दे जस्ट किल्ड इट, बोथ ऑफ देम किल्ड इट दैट डे. We had Harihara Kala Bhavan in Hyderabad, 965 students, highest till date, to come for a paper discussion from rank 1 and rank 2 AIIMS. That was the day that nobody can ever forget. That was a beauty. All right, that's what I can tell you. And I didn't take a chance by taking them there. I was very sure that these two are going to be the future of this nation, because if people like Zainab and Ravi are there, medical profession will always be nurtured well in India. There is no doubt about it. And after 8 years of that session, Ravi did cerebellum quiz with Zainab, and they were equally awesome that day, right? That's what I can tell you. So clap to them forever. And it relates the last slide. You can see the balloons on both the sides, right? Zainab ko maine bol diya hai. These balloons are to be gifted in the evening with more teachers coming up to the best students who are there in the class. So this is what I believe. He just said na kismat ki baat kari. So this is what I believe. My all lectures, they finish with this. Teri kismat da likha, tere to koi kho nahi sakta. So whatever is your destiny, you will meet it. But uske liye aapko minimum 6 se 8 ghante nirantar roop se 10 ghante, 11 ghante, 12 ghante mehnat karni padti hai. I went to Mumbai, my favorite place where I love teaching, right? Apart from Delhi and Hyderabad. So वहाँ एक बच्चे ने पूछा, प्रशांत पाई ने, इस कुर्सी पे बैठा हुआ था, यू नो माई लव सर, यू नो माई लव फॉर दिस चेयर, यहाँ पे खड़े होकर उसने मुझसे पूछा कि सर आज से 30 साल बाद आपकी लाइफ में क्या नहीं होना चाहिए. मैंने कहा भाई क्या होना चाहिए पता है, क्या नहीं होना चाहिए कैसे पता है. कहता नहीं सर बताओ ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता ना हमसे. वापस गया, आई वेंट बैक टू माई होटल एंड आई कॉल्ड अप ऑल माई फ्रेंड्स, दे हैड नो आंसर. आई कॉल्ड अप माई टीचर्स, उन्होंने बोला भाई तेरे साथ ये क्यों होता है.
I've been blessed with phenomenal teachers throughout my life. They've been just beautiful. All right. So obviously, main unka byproduct, spoiled product, but they've been great, right? And throughout. So I called up my dad. I said, Papa, अब तो घर की इज्जत नीलाम होने वाली है. कल सुबह वो फिर से पूछेगा मुझसे कि आज से 30 साल बाद क्या नहीं होना चाहिए. His name was Prashant Pai. His name is Prashant Pai. So he asked me next day. So and I was about to enter the class and मुझे उस समय तक भूल चुका था कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछने वाला है. और 8 बजे सुबह लेक्चर शुरू होता था. राइट, नॉट लाइक 9 o'clock हेयर दैट यू हैव द प्रिविलेज. सो 8 बजे शुरू होता था. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डैड 2 मिनट्स बैक एंड ही गेव मी द आंसर. सो व्हेन आई वाज एंटरिंग द हॉल आई हैड अ स्माइल. आई वाज लुकिंग फॉर प्रशांत. बस प्रशांत स्टेज के साथ खड़ा हुआ था. सर, आज से 30 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं होना चाहिए. सो आज से 30 साल बाद आपकी ज़िंदगी में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि 13th दिसंबर 2023 को सुबह 9:05 पे एक बंदा स्टेज के एज पे खड़े होकर आपको बोल रहा था, ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है, जान लगा दो, चूकना मत. अगर हम उसकी बात सुन लेते तो आज हम वो होते जो हम बनना चाहते थे. प्रशांत ने बोला कि सर गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है. लाइफ रन्स ऑन प्रोबेबिलिटीज. ऑलराइट, एंड हो सकता है कि वो ना हो जो आप चाहते हैं, बट एटलीस्ट फाइट पूरी होनी चाहिए. ऑलराइट, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आज से 30 साल बाद आप क्या बनेंगे. क्वेश्चन है कि अगर मैं जान लगाता तो आज मैं वो होता जो मैं बनना चाहता था. ये आइसक्रीम पार्लर्स, ये रेस्टोरेंट्स, ये मूवीज, ये क्रिकेट मैचेस, ये पार्टीज तब भी होंगे, बट नहीं होगा तो ये दिमाग, ये एनर्जी, ये मौका टू चेंज योर करियर फॉर एवर. राइट, इट इज एडवर्सिटी फॉर अ शॉर्ट वाइल. इट इज एडवर्सिटी फॉर अ शॉर्ट वाइल, द ग्लोरी इज फॉर एवर. रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑलराइट, तू श्रम करा चल बंदे. राइट, तेरी किस्मत द लिखा, तेरे तो कोई खो नहीं सकता. तू श्रम करा चल बंदे, कीप ऑन वर्किंग हार्ड. 10 घंटे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. आई ऑलवेज टॉक अबाउट हार्ड वर्क बिकॉज माई रूल ऑफ लाइफ इज I should be the most hardworking person I know. I remind myself every day कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ सब में सबसे ज़्यादा मेहनती अगर मैं हूँ तो मैं हारूंगा नहीं, मुझे ये पता है. I should be the most hardworking person I know. That is what is the rule of life, right? जो उसकी मेहर हुई तुझे वो मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता. This is what Ravi said. Your destiny will still change if you keep on looking towards it. All right? And over to the person. Yesterday I was telling you about the somebody holding the water still for you. So she is the lady who will hold water still for you when you showed the arrow. All right. So over to Zainab. We will see you in the evening once your class is over. Have a great day. Ravi, are you going to come back? I requested him. He had to go to a place for his work. But I told him that students just love listening to you. You have to be there. So please clap for him that he had to readjust and come here because वैसे भी उसको वापस उसी घर में जाना करता क्या है.